फील करते हैं आप यहाँ पे प्रेजेंट, क्या करते? मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे जो हंसी है वही देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आज आर्ट कैंप है, आर्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक के लाइफ का, और आप देख रहे हो कि अगर पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कितनी खुशी उनके दिल से बाहर आ रही है, तो वही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे, मेरे लिए एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मुझे कोई अप्रोच करता है कि बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो मैं कभी भी ना नहीं बोलती हूँ। सुनील और मनीष हमारे जान पहचान के फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने बोला कि वी वांट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड डेफ डे टुगेदर विद 800 किड्स, तो मैंने कहा पूछिए मत, बताइए क्या करना है, एंड लेट्स डू एन आर्ट वर्कशॉप। खाली एक दिन का कैंप नहीं है, इस कैंप में मैं बच्चे सेलेक्ट करूँगी जिनको फ्यूचर में मैं आर्ट सिखाऊंगी, और आर्ट के माध्यम से उनकी एजुकेशन कम्प्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को, डेफ बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। सो मेरा पूरा एम यही है कि ये बच्चे 12th करके आगे जो डिग्री करना चाहें वो कंप्लीट करें, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन। मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉज है ये, जैसे कहा कि रोट्रैक क्लब ने ये लिया है, और रूबल के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में आर्ट कैंप लिया है, कहीं और जगह भी लिया है, तो कुछ ना कुछ करती रहते हैं। एक दोस्त है मेरी और मुंबई के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसे कॉजेज के लिए कुछ करना चाहती है, जो भी कॉजेज है मैं उनके साथ में रहता हूँ। आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, देखो अभी 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 वो इशू नहीं है, यहाँ मैं इस कॉज के लिए आया हूँ, उसी के बारे में बात करूँगा। मिस्टर सुनील, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ब्यूटीफुल? एक्चुअली ये पर्पस ये इवेंट का ये है कि अवेयरनेस जनरेट हुए कि इन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, और वो जो एबिलिटी है वो हम टैप करना चाहते हैं। Rouble is supporting us, and Aditya ji is also supporting us in that same cause. Ki awareness that they are not disabled. The kids are equal. There is no difference. अगर उन वो सुन और बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें और बहुत अच्छी खूबियां हैं जो हमें देख के उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हम उनके अंदर से निकाल सकें। और एजुकेशन तो मैं हमेशा ही, मैंने बोला है पहले भी कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ माई कंट्री, सो एजुकेशन इनके लिए कम्प्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ये मुलुंड रोटरी स्कूल फॉर डेफ वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेट करता है हर साल। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमें बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना है, बच्चों को सबको एक्सपोज करना है, जैसे वो खुद समझ सके कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. One second, yeah, rolling nahi hai sa camera. Chalo chalo sab tar wale. Hi Daisy, welcome. How do you feel here today? There are over 700 kids celebrating World Deaf Day, and initiated by Rotary and Rouble. So I am attending such kind of an event for the very first time, and thanks to Rouble for calling me and inviting me for such event. I'm truly, truly touched by seeing all these wonderful kids here, and oh my God, like the amount of spirit they have, it's to another level. Like today, I've not seen, like kids is basically, today we have to learn a lot of things because kids really don't have any judgmental things for anyone. I had to put one there. Yes, here, Rouble is here. So I was just telling them that I thank Rouble for inviting me for this I event. Thank her for coming here. She had an event in Lucknow. And it got cancelled. I'm so glad and she is here. Thank you so much. My pleasure. बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में, मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए बहुत कम हैं जो दिल से सोचते हैं और बच्चों के लिए कुछ करते हैं, एंड डेजी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। जैसे मैंने हमेशा बोला है सलमान इज़ वन ऑफ देम, बट आई वुड ऑल्सो से सलमान, सुष्मिता, डेजी, दे हैव ऑलवेज बीन एब्सोल्युटली वेरी सपोर्टिव। आई एम जस्ट गोना टेल देम वन थिंग, लाइक रूबल को मैंने दो दिन पहले, आई मीन यस्टरडे, नहीं डे बिफोर यस्टरडे मैंने कॉल करके कहा कि रूबल मैं नहीं आ पाऊंगी ये इवेंट के लिए, क्योंकि आई हैव टू गो टू लखनऊ, एंड दो घंटे बाद मैंने एकदम, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है एकदम खुशी के मारे, मैंने रूबल को कॉल किया, मैंने कहा रूबल लिसन माय इवेंट इज कैंसल्ड एंड आई एम कमिंग फॉर दिस, सो या आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज एनीवे वेरी हैप्पी टू कम हियर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड इट, एंड थैंक्स फॉर माय इवेंट गेटिंग कैंसल्ड। You know, I can see all the kids. It's pure heart, and you know,
whatever I can do for them, I always try. Whether it's, you know, through music or my just being here, and I can see how happy they are, and it's amazing. You have a huge fan following. I think all the kids want to click a selfie with you, and it brings a smile to their faces. How does that feel? That's the magic, because, you know, they were not born when I was on TV. Right in the beginning, when Colonial Cousins and, you know, those songs were there, and bachche the us time. Or ab, to see the next generation loving you for you. Or bahut se bachche hain jo jab wo mera music sunte hain to they're like, wow. So I said, you know, it really feels fantastic ki ye response mujhe mil raha hai from these kids. See, it's a privilege to actually, if you realize what you have and they don't have, it's a big distinction. It's a very big distinction. And by interacting with them, including them in your daily life, daily routine, giving them the opportunities is what Rotary is all about. And of course, privileged to have him here, because what they see him on screen and see him in person, of course they can hug him here. They can't hug the screen. Yeah, but the thing is, I feel ki, you know, they don't have the luck to listen to those songs jo hum gaate hain, compose karte hain, log sunte hain, inko wo chance nahi milta. Lekin mujhe ek cheez pata hai ki ek gaane mein jo vibration hota hai na, wo kaano ki zarurat nahi hai. Wo direct dil tak pahunchta hai. You can feel kiya kuch acha ga raha hai ya acha lag raha hai music. It's like the bass hitting you here. Yes. And how can we let you go without saying a few lines for us, for the kids today? Today is also World Day. Yes, it's World. What should I mean, like, they are like my buddies, no? Like, they all awesome photo. Yeah. So maybe I'll sing an old song which I had composed very long back, but yaro dosti badi hi haseen hai, ye na ho to kya phir, bolo ye zindagi hai, koi to dilbar ho yaar, begaraz tera ho yaar, koi to ho razdaar. Yaro dosti badi hi haseen hai, ye na ho to kya phir, bolo ye zindagi hai. Awesome. Thank you. No, it's so nice. Really, they're treating like a friend, not like some, you know, icon person or senior person. It's amazing. Ma'am, center. Ma'am, center, please. Ma'am, here. I'm here. Thank you. Benjo. यही कहना चाहूँगी, इतना अच्छा कॉज है. आई थिंक शी इज बीन डूइंग इट सिंस 7 years. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. I've just come here to support her, and I wish I can do much more than, you know, I'm like, my whole body. She does contribute in whatever way she can. वो कभी exhibition भी नहीं भी होती हैं तो मुझे बोलती हैं एक scarf या एक painting मुझे भिजवा देना Rouble, जो भी आपकी choice की है. That's her way of contributing, and I think when you have friends who are so supportive of your social work, we have the limit to achieve. It is overwhelming to see all this, and it's so beautiful, like, you know, to give your time. You know, in Bombay mein sabse badi baat hai ki time kisi ko dena. Agar is Rouble has given that, that's really you know, everybody's busy with their work, socializing or working for themselves, working for business or working everywhere, but giving time to these kids is amazing, I would say. Thank you. And World Deaf Day. World Deaf Day. Aaj World Deaf Day, and I would say, I just wish them good luck. I would say, Rouble, keep doing this, because I think a lot of people will at least learn something from it. I hope this creates enough awareness, and the word is spread, and bahut log jo
डोनेशंस करना चाहते हैं वो बच्चों को हियरिंग एड दें, जिससे हियरिंग एड पहनने से जो नहीं सकता वो 60% सुन सकता है। तो आप सोचिए जिस बच्चे की लाइफ में एक पिन गिरने की भी आवाज़ नहीं है वो 60% सुन पाएगा तो उनको बोलने में भी आसानी होती है। जब तक आप सुन नहीं सकते आपकी मूवमेंट लिप मूवमेंट भी नहीं होती है। तो हियरिंग एड इज अ बिग डोनेशन दैट आई थिंक एवरी वन शुड डू टू दीज किड्स बिकॉज दिस कैन एक्चुअली मेक देयर लाइफ। बैंजो भी एक स्ट्रीट म्यूजिशियंस के लिए था कि ऑल द स्ट्रीट म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट मिल सके। इट वाज वन ऑफ द कॉज। ये स्ट्रीट म्यूजिशियन महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि सब इंडिया फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लखनऊ हो, बिहार हो, पंजाब हो, सब स्ट्रीट म्यूजिशियंस को हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और इस वजह से उनको डेकोरेशन की पीस जैसे रखा जाता है कि आप बजाओ और यहाँ से आप जाइए, उसके बाद पैसे फेंकते हैं और इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि कैसे वो पैसा अपने मुंह से उठाएगा। दैट्स रियली सैड। सो ऑल दिस कीपिंग इन माइंड रियलिटी है, छोटे छोटे ड्रीम्स है हर लोगों की, उनका ड्रीम्स को एक ऐसा लाइक यू शो देम अ लिटिल वे दैट इफ यू आर केपेबल एंड यू कैन सो यू कैन रीच द स्टेज। सो दैट इज वन मोर थिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो।